तो नमस्कार साथियों, आज हम आज के फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपके सामने क्लियर करूँगा, ठीक। सभी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते प्रश्न को। इसमें सबसे पहले देख लेते तुलसी का जन्म कब हुआ था। तो तुलसी का जन्म कब हुआ था बताना है। तो संवत, इसमें जो भी दिया हो, सन दिया हो, समत दिया हो, तो आपको देखना है। तो संवत 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक। तो इनका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास की मुक्ति पाने हेतु लिखी है। जो कालिदास की मुक्ति पाने हेतु रचना है वो क्या है, विनय पत्र का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, कितने कांड है, 7 कांड है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी, तो याद रखना 1631 1631 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है। रामचरितमानस का 5वां कांड पूछा था, उसमें कौन सा सुंदर कांड है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास ने रामचरितमानस का समापन किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस का समापन कहाँ किया था, तो अयोध्या में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस का महत्व तो आज किस कारण से, जो रामचरितमानस है उसका महत्व तो आज किस कारण से, जीवन मूल्यों के कारण। इनके कारण ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, जीवन मूल्यों के कारण है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुर शीशम सब कर हित होई। ये जो लाइनें हैं, ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो किस ग्रंथ में ये संकलित हैं, तो याद रखना रामचरितमानस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रहा है कि कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुर शीशम सब कर हित होई। इस पंक्ति की मैं तुलसीदास ने कविता का मूल देश क्या माना है, जो कविता का मूल देश वो क्या है, तो ये एकदम लोक कल्याण, ठीक, संसार का कल्याण, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। जो तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखना ये संस्कृत यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में संस्कृत दिया लेकिन संस्कृत नहीं है, कौन सी भाषा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से है, अवधि भाषा। तुलसी का रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, अवधि भाषा में लिखा गया है। इसके बाद एक और नेम टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इसमें सभी सूरदास रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरदास रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास भक्ति काल किस भाषा के न्याय, सूरदास के भक्ति काल की किस भाषा की यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या शाखा, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा, यहाँ पे आप शाखा लिख लेना बात करिएगा, ठीक। तो किस शाखा के अनुयायी थी, तैयार में कृष्ण भक्ति शाखा की, क्योंकि जो भक्ति काल है उसमें कई शाखाएं हैं, तो भाषा थोड़ी ना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास की किस काल से संबंधित हैं, तो किस काल से, पूर्व मध्यकाल से संबद्ध है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, जो सूरदास की भक्ति थी वो किस भाव की थी, सखा भाव की, क्या, सखा भाव की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते, कृष्ण भक्त सूरदास किसके शिष्य थे, जो कृष्ण भक्त सूरदास थे वो किसके शिष्य थे, याद रखना बल्लवाचार्य, इनकी बल्लवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था, जो सूरदास की रचनाओं का जो प्रकाशन हुआ था वो सबसे पहले किस नाम से हुआ था, तो याद रखना सूर सागर कल्प द्रुम, यानी कि नवल किशोर, कहाँ पे होता है, लखनऊ में, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यह कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति सूर की नहीं है, जो पंक्तियाँ हैं जो इनमें से कौन सी सूर की नहीं है, तो देख लेना, हरि हो सब पतिनन पतितन पतितेस्तु, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये उनकी पंक्तियाँ नहीं है, जबकि ये उनकी रचनाओं में ये सारी पंक्तियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे कि भ्रमर गीत संबंधी पदों में सूर ने किस रस का निर्माण किया है, भ्रमर गीत संबंधी पदों में सूर ने किस रस का निर्माण किया है, देख लेते हैं ऑप्शन को।
ऑप्शन डी है श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस, विप्लब श्रृंगार का, शांत रस का या हास रस का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विप्लब श्रृंगार का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, भ्रमण गीत के कितने प्रमुख उद्देश्य हैं? जो भ्रमण गीत के कितने प्रमुख उद्देश्य हैं, तो यहाँ ऑप्शन दो हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर नाइन, और यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टिकूट, दृष्टिकूट पदों की संख्या किन प्राचीन ग्रंथों के समय से चली आ रही? तो किन की, देखो वेदों के, उपनिषद के, महाभारत की और भी के समय से, यानी यहाँ पे तीनों लिखा तो तीनों यहाँ तीन इन तीनों के समय से चली आ रही। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर का भ्रमर गीत किसके आधार पर रचित है? जो सूर का भ्रमर गीत है वो किसके आधार पर रचित है? तो भगवद गीता के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर देख लीजिए और अब क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो अगर कोई आपको डाउट हुआ ठीक। इसके बाद नए टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इस टॉपिक में आमिर खुसरो के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं। आमिर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? फटाफट देख लीजिए, आमिर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? एटा जिले में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरो का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये पूछा है तो 1255 ईस्वी में, ठीक। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, खुसरो की ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? खुसरो की संख्या है वो कितनी बताई गई है? तो 100 बताई गई है, ठीक। ग्रंथों की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, दो सुखने किसकी रचना है? दो सुखने जो रचना है वो किसकी है? तो यही अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, किस विद्वान ने अवधि का प्रथम कवि खुसरो को माना है? किस विद्वान ने अवधि का प्रथम कवि खुसरो को माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधि का जो प्रथम कवि किन्हें माना है? अमीर खुसरो को माना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो कैसे थे? चित्रकार थे, संगीतकार थे, या गायक थे, या नृत्यकार थे? संगीतज्ञ थे। कैसे संगीतज्ञ थे? क्वेश्चन नंबर सेवन, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सकी साजन ना सकी डोल? ये पंक्तियाँ हैं, तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पूछा है कि देखो अमीर खुसरो की, दलपति सिंह, कल्लड़, राम सिंह, तो याद रखना किन की हैं? ये ऑप्शन यहाँ थी, अमीर खुसरो की सभी रचना है, ये पंक्तियाँ हैं, जो पंक्तियाँ थी अमीर खुसरो की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ कह रहा है कि अमीर खुसरो के नूह सिफर मैं कितने शेर हैं? तो याद रखना 500 शेर हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, अमीर खुसरो को दीवान का संग्रह किस सन संकलित हुआ था? तो किस सन हुआ था? 1295 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो वीरगाथा काल में किस शताब्दी के कवि थे? 14वीं शताब्दी में वीरगाथा काल के कवि थे, ठीक। तो यहाँ पे आप आंसर भी देख लीजिए और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियो लेकर आता रहता हूँ। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।